हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र के उपभोक्ता अधिकार चैप्टर में आगे बताएंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया कि उपभोक्ता ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया क्योंकि उपभोक्ताओं का बाजार में शोषण हो रहा था, और ये स्थिति एक जगह की नहीं थी, लगभग सभी जगह ऐसा ही था। तो उपभोक्ताओं ने एकत्र होकर के आंदोलन का रूप लिया, और ऐसा होना स्वाभाविक था क्योंकि उनके साथ जो शोषण उनका हो रहा था या उनके साथ जो धोखाधड़ी हो रही थी उसके खिलाफ उनको आवाज़ उठा नहीं था। तो इसलिए कुछ ऐसे कारण लगातार बनते जा रहे थे जिन्होंने उपभोक्ता आंदोलन को जन्म दिया। उन कारणों में जो प्रमुख हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जैसे उनके साथ घटतौली हो रही थी, यानी कि कम तौल करके सामान दिया जा रहा था, अनाजों और मसालों इस तरीके की चीज़ों में मिलावट हो रही थी, उनको मिलावटी सामान मिल रहा था। इसके साथ ही साथ जो औषधियां थीं या जो कॉस्मेटिक्स थे उनमें भी मिलावट हो रही थी, डुप्लीकेसी हो रही थी, यानी कि लेबल किसी और चीज़ का है और उसके अंदर जो मिलने वाला सामान है वो घटिया क्वालिटी का है। तो इस तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें ये बराबर हो रही थी जिनकी वजह से जो आम उपभोक्ता था वो परेशानी में था। इसके अतिरिक्त जैसे सामानों के साथ जो गारंटी मिल रही है उस गारंटी का पूरी तरीके से सामान की मरम्मत करके ना देना, या उपभोक्ताओं के ने किसी व्यापारी के खिलाफ या किसी विक्रेता के खिलाफ न्यायालय गया है, वहाँ पर उसके जो केस है उसको बहुत अच्छे से डील नहीं किया गया या उसमें देरी की गई, तो उपभोक्ता को न्याय मिलने में देर हो रही है, या उपभोक्ता जो सुरक्षा अधिनियम है उसको सख्ती से लागू नहीं किया गया। तो ये सब कुछ ऐसे कारण थे जिन्होंने उपभोक्ता आंदोलन को जन्म दिया, और धीरे धीरे जो है ये एक ऐसा आंदोलन बन गया जिसने एक इंटरनेशनल रूप रख लिया, और सभी जो यूएन था उसको सभी विश्व के देशों में ऐसी कुछ व्यवस्था करने का निर्णय लेना पड़ा कि जो उपभोक्ता है वो अपनी जगह पर सुरक्षित हो। तो इस तरीके से जैसे कुछ हमारी जो सीधे सीधे सुरक्षा को प्रभावित करते हैं, जैसे रसोई गैस है, अगर उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का लीकेज होता है या कोई डैमेज होता है तो उससे पूरा ही हमारा परिवार परेशानी में आ सकता है या पूरा का पूरा परिवार नष्ट भी हो सकता है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जिनमें किसी भी प्रकार का मानकीकरण नहीं था। तो ये सब चीज़ें एकत्र होकर के एक उपभोक्ता आंदोलन का रूप ले लिया इन चीज़ों ने, और उपभोक्ता अपने अधिकारों के लिए, अपने जो शोषण हो रहा था उसके विरुद्ध एकत्र हुआ। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जिनको हमने अभी आपको बताया। तो इनको आप पॉइंट्स के रूप में अपने नोट्स में बनाएंगे और उपभोक्ता आंदोलन का जन्म लेने का कारण में इसको मेंशन करेंगे। धन्यवाद।